देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इससे पहले वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्य समेत देश के कई राज्यों में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो सकेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है और कहा है कि जब तक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होती तब तक 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण संभव नहीं है। दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से नहीं शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को अभी कोरोना की वैक्सीन मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है वो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लाइन न लगाएं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही सरकार को वैक्सीन मिलेगी वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनी से संपर्क बनाए हुए है और 2-3 दिन में वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में उन शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां कोरोना के 9,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। यूपी सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन में अभी फिलहाल 7 जिले ही शामिल होंगे। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल है। इन सभी शहरों में आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। प्रदेश के बाकी जिलों को वैक्सीनेशन में बाद में शामिल किया जाएगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 से ऊपर है अभी वहीं वैक्सीनेशन होगा। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से गुजरात के 10 जिलों में शुरू होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना से ज्यादा प्रभावित प्रदेश के 10 जिलों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाना है। महाराष्ट्र में कोरोना के 62,919 नए केस आए हैं जबकि बीते 24 घंटे में 828 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में प्रदेश में 69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण के करीब 4,000 नए केस आए और कोरोना के चलते 89 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर नागपुर में देखा जा रहा है जहाँ 7,489 नए केस आए और 82 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस स्थिर हैं और मरीजों की संख्या बढ़ नहीं रही है, ऐसे में फिलहाल यहां सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना से एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,605 मामले आए जबकि कोरोना से 173 लोगों की मौत हुई। गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां एक दिन में कोरोना के 5,300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। सूरत में 17 से अधिक जबकि राजकोट और वडोदरा में कोरोना के 6,600 से अधिक मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 18,692 नए केस आए हैं जबकि कोरोना के चलते 113 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने भी फिलहाल राज्य में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू करने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि वैक्सीन की कमी की वजह से फिलहाल 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,532 नए केस आए हैं जो एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का टीकाकरण आज से शुरू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू होने वाले इस टीकाकरण को प्रदेश में शुरू नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में पहले टीकों की कमी है, जो नए टीकों के लिए ऑर्डर दिया गया है उन्हें पहुंचने में अभी समय लगेगा। कर्नाटक में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। एक दिन में कर्नाटक में कोरोना के 48,296 नए केस आए हैं और कोरोना के चलते 217 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी बेंगलुरु से आ रहे हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस आए।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक में 14 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसका ज्यादा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस आए और 96 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही किसी भी कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरह से रोक होगी। बाजार भी सिर्फ सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम के 3 से 5 बजे के बीच खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 32,494 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के 1,310 नए केस आए हैं और कोरोना के चलते 10 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 12 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोविड 19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जो कोई भी गाइडलाइंस को तोड़ता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ प्रशासन ने पंचायत चुनाव के नतीजों के दौरान जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। काउंटिंग सेंटर पर केवल मतगणना के एजेंट मौजूद रहेंगे, उसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यूपी के अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर एक और विधायक ने आवाज उठाई है। भदोही की औराई सीट से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। दीनानाथ भास्कर ने भदोही में कोविड अस्पतालों की दुर्दशा और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है। इसके साथ ही विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की पेशकश की है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि घर पर रहने वाले लोग ट्रिपल लेयर मास्क पहने। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो N95 मास्क पहनना चाहिए। वहीं व्यक्तिगत इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों को आपस में शेयर न करने की सलाह भी दी गई है। कोरोना मामलों को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर राज्य को ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोई भी राज्य किसी भी तरह की सूचना को दबा नहीं सकता। भारत में कोरोना से खराब होती स्थिति के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। शी जिनपिंग ने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर संवेदना जताई है और महामारी से लड़ने में भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पत्र में शी जिनपिंग ने लिखा है कि भारत में कोरोना महामारी के बावजूद हालात को लेकर काफी चिंतित हूं। चीन सरकार और चीनी नागरिकों की ओर से मैं भारतीय नागरिकों और भारत सरकार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। बिहार में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक दिन में बिहार में कोरोना के मामले 15,853 सामने आए। राजधानी पटना में कोरोना से सबसे ज्यादा 2,844 मरीज मिले। इधर बिहार विधानसभा सचिवालय में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सचिवालय को 3 मई से 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान संसदीय समितियों की बैठकें भी स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि बिहार विधानसभा कोविड नियंत्रण कक्ष इस दौरान पहले जैसे ही चलता रहेगा। उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी से मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के चलते 122 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना के कुल 5,656 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी देहरादून में 1,915 जबकि नैनीताल में 999 केस दर्ज किए गए। वहीं हरिद्वार में कोरोना के 856 नए मामले सामने आए।